नमस्कार प्रोफेसर साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये आंकड़ा 4000 को पार कर चुका है। 109 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 291 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन इसे बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर यह है कि भारत के कुछ इलाकों में ये जो कोरोना वायरस है थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है। यह बात एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कही। उनका कहना है कि कुछ इलाकों में, हालांकि उन्होंने पूरे भारत के संदर्भ में ये बात स्पष्ट की है कि पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो स्टेज टू और स्टेज थ्री के बीच की स्थिति है, लेकिन कुछ इलाकों में जो हॉटस्पॉट्स बन गए हैं वहां पर ये थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। लोकल लेवल पर कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है और आपने देखा कि किस तरीके से तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना वायरस को किस तरीके से पूरे देश के कोने कोने पहुंचाया है। और ये जो हमने आपको 4067 का आंकड़ा बताया है, इस 4067 के आंकड़े में से 1200 से 1300 के बीच का जो आंकड़ा है ये तबलीगी जमात के लोगों का है। 30-35% इन लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ाए हैं। इस बीच जो अगर हम बात करें राजस्थान की, बात करें तमिलनाडु की, बात करें गुजरात की, बात करें महाराष्ट्र की, दिल्ली की, तो यहाँ पर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार हालांकि सब स्थिति पर नज़र रखे हुए है। और लखनऊ से आज एक बड़ी खबर आई कि जो बॉलीवुड सिंगर है कनिका कपूर, उनको इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। कोरोना वायरस को उन्होंने हरा दिया है। उनकी छठी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। पहली 4 रिपोर्टें उनकी पॉजिटिव आई थी, जिससे उनकी भी चिंता बढ़ गई थी, उनके परिवार की भी चिंता बढ़ गई थी, लेकिन 5वीं रिपोर्ट नेगेटिव और 6ठी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि उन्हें अभी एहतियात के तौर पर अपने लखनऊ स्थित घर पर ही 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो कनिका कपूर को तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अगर बात करें बॉलीवुड के अन्य हस्तियों की तो वहां पर एक खबर ये भी आ रही है कि फिल्म निर्माता करीम मुरानी की बेटी को कोरोना वायरस हो गया है और वो नानावती अस्पताल में भर्ती हैं, वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। बहुत सारे लोग, खासतौर पर बॉलीवुड हस्तियाँ हैं, वो चाहे उद्योग जगत की हस्तियाँ हैं, तमाम जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बार बार ये अपील कर रहे हैं, राजनेता अपील कर रहे हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ लोग शायद अपनी हिस्ट्री छुपाने में, ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने में विश्वास रखते हैं और इस वजह से भी जो बाद में उनको तकलीफ होती है तो वो चीज़ें सामने आती हैं। इस बीच एक खबर और आ रही है, वो भी बड़ी खबर है कि केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में बताया है कि ये अफवाहें गलत हैं कि 14 अप्रैल से विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया, उनके ट्वीट में ये बात साफ कर दी गई है। कुछ जगहों पर खबरें आ रही थी कि 14 अप्रैल के बाद अगर आप हवाई यात्रा करना चाहें तो सरकार ने छूट दे दी है, बुकिंग चालू हो गई, जिसका उन्होंने खंडन कर दिया है। इसके अलावा राज्यों से जो मांगे आ रही हैं खासतौर पर अन्न की, तो उसके बारे में भी हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। वो ये है कि राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने अपने गोदामों से एक दिन में 1,93,000 मीट्रिक टन अनाज जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि FCI लॉकडाउन के दौरान देश के प्रत्येक भाग में अनाज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने 13 राज्यों में किसानों से चने और दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को स्वीकृति दे दी है। इससे न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि इन उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का आज 40वां स्थापना दिवस है। इस 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने और बीजेपी के अनेक नेताओं ने ट्वीट कर या संदेश अपना पोस्ट कर कार्यकर्ताओं से अपील की है कि फीड द नीडी जो अभियान चल रहा है पार्टी का, उसमें मदद करें। एक वक्त अगर आपको भूखा रहना पड़े तो भूखा रहें, लेकिन जरूरतमंद को खाना खिलाएं, जरूरतमंदों की सहायता करें। और ये जो कोरोना वायरस से लड़ाई देश लड़ रहा है, इसमें आप जो भी योगदान कर सकते हैं, चाहे वो PM केयर फंड के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, सोशल सर्विस के माध्यम से हो, जैसे भी आप करना चाहें आप करें। ऐसा आज आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के आला नेताओं ने किया, क्योंकि बताया गया कि ये उन्होंने साफ कहा है कि ये मुश्किल वक्त है, संकट का समय है, इस समय मदद करना सभी की जो कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाना ही चाहिए। फिलहाल इस कोरोना अपडेट स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहें प्रभासाक्षी के साथ।